फिल्म मेकिंग और मूवीज़ में कैमरा एंगल का बहुत बड़ा रोल है। आप किसी सीन को कैसे फ्रेम कर रहे हो, कॉम्पोजिशन क्या है, ये अलग अलग इमोशंस एक्सप्रेस कर सकता है। तो एक बेटर फिल्म मेकर बनने के लिए या अपने यूट्यूब वीडियोस को और सिनेमैटिक दिखाने के लिए आपको और मुझे कुछ कैमरा एंगल्स पता होना चाहिए और वो क्या मैसेज कन्वे करते हैं। पहला है लो एंगल। अगर आप किसी कैरेक्टर को या सब्जेक्ट को लो एंगल से शूट कर रहे हो, यानी कि उसको ऊपर रखा हुआ है और कैमरा नीचे है, तो इसका मतलब वो अभी पावर में है, उसका मतलब कि वो डोमिनेट कर रहा है उस सिचुएशन में एट दैट टाइम। या हम कभी विलेन अगर जीत रहा है तो हम विलेन को दिखाते हैं लो एंगल से, क्योंकि वो पावर में है उस टाइम। या अगर हम किसी एक्टर को यानी कि मेन हीरो को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या उसके पावर को दिखाना चाहते हैं, तब हम लो एंगल से शूट करते हैं उस सीन को। सेकंड है लो एंगल के ऑपोजिट, वो है हायर एंगल। इसमें ठीक लो एंगल से ऑपोजिट होता है। अगर आपको ऐसा किसी को दिखाना है जो वीक है, जो अभी बिल्कुल भी पावर में नहीं है, जो अभी हार रहा है, इसमें किसी सीन को आप हायर एंगल से शूट कर रहे हो, इसका मतलब कि आप कैमरा थोड़ा ऊपर रखते हो और जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा नीचे रहता है। एंड इन दैट सिचुएशन वो जो कैरेक्टर है वो डोमिनेट हो रहा है किसी और से, यानी कि उसके ऊपर कोई और डोमिनेट कर रहा है। जो भी सिचुएशन है, जो भी सीन चल रहा है वहाँ पे, उसमें उसका कंट्रोल नहीं है या वो उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो पावर में ही नहीं है। तो जब भी हम कोई फाइट दिखा रहे होते हैं और हमें किसी को डोमिनेटिंग दिखाना होता है, तो हम लोअर एंगल यूज़ करते हैं उसको, और ठीक उसके ऑपोजिट हायर एंगल यूज़ करते हैं जब हमें किसी को वीक दिखाना होता है। मूवीज़ में लोअर एंगल और हायर एंगल काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ यूज़ होता है, एक साथ यूज़ होता है। थर्ड है वाइड एंगल। वाइड एंगल हो गया जब आपका कैरेक्टर, जब आपका सब्जेक्ट लोनली है और अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं है। इसमें क्या होता है कि पूरे फ्रेम में कुछ और या लैंडस्केप है वो चल रहा है और आपका कैरेक्टर बहुत छोटा सा उसमें काफ़ी छोटा दिख रहा है। इसका मतलब कि वो अकेला है और उसके आसपास कोई भी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव स्पेस बनाया जाता है ताकि ऐसा फील हो कि उसका वर्ल्ड काफ़ी एम्प्टी है और वहाँ पे कोई भी नहीं है उसके अलावा। वाइड एंगल सीन ज़्यादातर किसी लैंडस्केप के ऑपोजिट शूट किया जाता है, जैसे कि कभी कभी आपने देखा हो कोई कैरेक्टर छत पर अकेले बैठा हुआ है और उसके सामने पूरा सिटी है, या कभी कभी कोई माउंटेन्स में बैठा हुआ है और उसके सामने बहुत सारे माउंटेन्स है, पूरा स्काई है खुला। ये सब सीन्स कन्वे करता है कि वो अभी अकेले है और वो लोनली है। फिजिकली तो आप देख ही सकते हो कि वहाँ पे वो अकेला है, लेकिन ये एक मैसेज कन्वे करता है कि वो अंदर से भी लोनली है, यानी कि वो अपने दिमाग में अकेला है, उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। और इस बड़े से लैंडस्केप के सामने वो छोटा सा आपका कैरेक्टर सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि कोई वैल्यू नहीं रखता। चौथा है वाइड एंगल के जस्ट ऑपोजिट टाइट एंगल, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जूम, जो कि फेस के काफ़ी क्लोज है या जो भी सिचुएशन चल रहा है या जो भी काम हो रहा है उसके काफ़ी क्लोजअप हो। जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है, तब इस टाइट एंगल को यूज़ किया जाता है ताकि ऑडियंस का पूरा फोकस इसके ऊपर रहे जो भी वहाँ पे चल रहा है। अगर मान लो किसी को सैड दिखाना है और फोकस है उसके सैडनेस पे, तो हम उसके सैडनेस दिखाते हैं, कोई गुस्सा है, या जब कोई कुछ इंपॉर्टेंट बात कह रहा है और हमें पूरा फोकस कराना है उस बात पे, उस कैरेक्टर पे, तब हम टाइट एंगल यूज़ करते हैं ताकि ऑडियंस पूरा पूरे फ्रेम में उसी को देख पाए। टाइट एंगल को मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉगर्स को यूज़ करते देखा, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स भी यूज़ करते हैं, वो हमेशा जूम इन एंड जूम आउट करते रहते हैं। जब भी उनको कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलना होता है तो वो जूम इन कर लेते हैं, फ्रेम काफ़ी ज़्यादा फेस के पास चला जाता है, और फिर जब उन नॉर्मली बात करते तो फिर कैमरा जूम आउट हो जाता है। इससे पहले मैंने ये चीज़ केसी नाइस्टेट पे देखा था कि केसी नाइस्टेट इस एंगल को काफ़ी ज़्यादा, यानी कि टाइट एंगल को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं जब भी उनको कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलना होता है। टाइट एंगल जो मूड चल रहा है उस सीन का, उसको काफ़ी ज़्यादा, उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्फेसिस करता है, उसको और बढ़ा देता है। पाँचवा है टाइट शॉट। टाइट शॉट और टाइट एंगल काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट टाइट एंगल में क्या होता है कि कैमरा पूरा जूम इन होता है, कैरेक्टर के काफ़ी पास होता है, बट टाइट शॉट में क्या होता है कि हमें फ्रेम इन फ्रेम दिखाना होता है, यानी कि एक कैमरा तो देख ही रहा है, उसके अंदर एक और छोटा सा फ्रेम होता है, उसमें कैरेक्टर या जो भी आपका सब्जेक्ट है वो दिख रहा होता है। मुझे एक सीन याद आ रहा है जुरासिक पार्क में, जब वो टेबल के नीचे छिपे हुए थे और डायनासोर उनको फॉलो कर रहा था या उनको ढूंढ रहा था, तब वो टेबल के नीचे छिपे हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल सीन लग रहा था, अनकंफर्टेबल सिचुएशन लग रहा था। तो टाइट शॉट का मैसेज यही होता है कि वो जो कैरेक्टर है या जो सब्जेक्ट है वो उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहता है, वो वहाँ से बाहर निकलना चाहता है, वो काफ़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। मे बी वो किसी चीज़ से डरा हुआ है और वहाँ पर छिपा हुआ है, बट वो काफ़ी देर तक वहाँ पर रहना नहीं चाहता, वहाँ से बस भाग जाना चाहता है। तो आप फ्रेम इन फ्रेम का यूज़ कर सकते हो अगर आपको टाइट शॉट दिखाना है, अनकंफर्टेबल फ्रेम बनाना है।
है तो। इसका एग्जांपल एक और ये हो सकता है कि जब आपको कोई फॉलो कर रहा है और आप ऐसी किसी छोटी सी जगह में आप छिप गए, तो कैमरा का एक फ्रेमिंग हो गया और उसके बाद जो आप छोटी सी जगह है उसमें अगर आप छिपे हुए हो टाइट एकदम फिट हो किसी तरह से, तो वो भी एक फ्रेम हो गया। तो फ्रेम इन फ्रेम है वहाँ पे, और फिर आप वहाँ पे अनकंफर्टेबली बैठे हुए और डरे हुए हो, किसी भी रीज़न से आप उसे डरे हुए हो, मे बी शायद वो आपका मर्डर करना चाहता है या कुछ भी, और फिर वहाँ से आप निकलना चाहता है, बहुत अनकंफर्टेबल हो वहाँ पे बैठ के या उस सिचुएशन में रह के। सिक्स्थ है डच फ्रेम। डच फ्रेम में थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा होता है, एंगल थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ये ज़्यादातर केओस दिखाने के लिए होता है या डेंजरस चीज़ें दिखाने के लिए होता है। ये ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ में यूज़ होता है जहाँ पे स्कैरीनेस दिखाना होता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखा, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, अगर आपने देखा होगा तो उसमें पता होगा काफ़ी ज़्यादा डच एंगल का यूज़ किया गया है। सैम रेमी का काफ़ी ज़्यादा ये स्टाइल है। आई हैव कोल्ड, सॉरी। सेवेंथ है पुशिंग इन। इसमें कैमरा दूर होता है और धीरे धीरे कैमरा पास जा रहा होता है, जो भी सब्जेक्ट है जहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए उसके धीरे धीरे पास जा रहा होता है। इसका मतलब कि सीन काफ़ी लाइट था थोड़ी देर पहले, अब धीरे धीरे इंटेंस हो रहा है। हो सकता है कभी कभी ये फास्ट भी हो जाए, क्योंकि अचानक कभी आप देखते हो ये कहीं पार्टी चल रही है और कुछ हुआ बाहर हल्ला, तो अचानक किसी कैरेक्टर पर जूम इन होकर उस पर फोकस हो जाता है। तो होता ना कि मस्ती पार्टी, फोकस इन इंटेंस। एट है पुशिंग इन के ऑपोजिट पुलिंग आउट। जब कोई मूवी ख़त्म हो रही होती है तो ये पुलिंग आउट फ्रेम का यूज़ किया जाता है, जिसमें कैमरा धीरे धीरे उस सीन से दूर जा रहा होता है, या कोई सीन ख़त्म हो रहा होता है तब भी इस फ्रेमिंग को यूज़ किया जाता है, धीरे धीरे कैमरा दूर जा रहा होता है जो भी वहाँ का सीन है। तो ये ट्रांजिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है कि हाँ इस सीन से अब हम हट के दूसरे सीन में जा रहे हैं, तो यहाँ से पुल आउट हुआ और वहाँ पे पुश इन हो सकता है, तो वो भी किया जा सकता है। और अगर मूवी ख़त्म ही हो रही है, फिनिश भी हो रही है, तो धीरे धीरे पुल आउट होके ब्लैक हो जाता है, मूवी ख़त्म हो गई और द एंड आ जाता है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें कैमरा एंगल में चेंज करके आप बहुत सारी चीज़ें कन्वे कर सकते हो, जो कि आपकी फिल्म मेकिंग और आपकी स्टोरी टेलिंग में हेल्प करेगा। ये सब चीज़ें कोई नॉर्मल इंसान सोच नहीं पाता कि ओके मूवीज़ ऐसी बनाई जाती है, बट अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे और फिर कोई मूवी देखोगे तो इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, ऐसे ऐसे एंगल्स का यूज़ होता है जो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, बट अब आपको पता चल गया है तो अब आप ध्यान दे सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें। मैंने और भी बहुत सारे अपने चैनल पर वीडियोज़ बना रखे, अगर आप जाके चेक करोगे, वीडियो एडिटिंग पे है, हाउ टू शूट, हाउ टू लाइट, अपना सेटअप कैसे बनाएं, तो वो सब वीडियो भी आप जाकर जरूर चेक करना। मेरे चैनल पर अगर आपको पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।